नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा इंडिगो के बारे में, क्योंकि इंडिगो से जो रिक्वायरमेंट्स है बहुत शानदार एक रिक्वायरमेंट्स आया है और सीधा सीधा आपको डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के माध्यम से इस जॉब पाने का आपको पूरा का पूरा डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कि क्योंकि आप बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी किया है कि सर इंडिगो में जॉब जो मिलेगा तो क्या वहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ के सिर्फ इंटरव्यू है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और कुछ कीज पॉइंट कंपनी बताया है, उसको आप देखिए इस वीडियो के अंदर, उसके बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं इंडिगो जो है वो इंडिया के नंबर वन एयरलाइंस कंपनी है, और इस तरीके से एयरलाइंस कंपनी के ऊपर काम करने का मतलब है आपका क्वालिटी अच्छा खासा और टाइम टू टाइम आपको पेमेंट्स सब कुछ मिलता रहेंगे। तो चलो नोटिफिकेशन के ऊपर चलाते हैं कि टोटली जो जॉब है वो इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से मिला है, और टोटली देखिए पोस्ट जॉब नेम जो है वो कस्टमर सपोर्ट है, मतलब कस्टमर को आपको सपोर्ट देने का काम करना पड़ेगा। और ये टोटली फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ही जॉब आप कर सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, अगर आप फुल टाइम भी करना चाहते हैं तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों में पहले ही बोल चुका हूँ, कोई भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, अगर आप फ्रेशर्स है तो आप अप्लाई करिए। देखिए एरिया जो है वो ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है लोकेशन जो है वो गुड़गांव में आपको काम करना होगा। तो कुछ इस तरीके से लोकेशन आपको दिया गया है। अभी मेन पॉइंट्स के ऊपर चला जाता है। देखिए कैटेगरीज, तो कैटेगरीज के हिसाब से ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर काम करना होगा, वो भी इंडिगो के ऑफिशियली वेबसाइट में इस सारे नोटिफिकेशन दिया गया है। अभी सैलरी पैकेज के बारे में बात करूँ तो सीधा सीधा कहूँ तो 17,000 तक आपको सैलरी मिलेगा, या जो लोग पार्ट टाइम काम करेंगे उसको 17,000 मिलेगा, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा सैलरीज कम मिलेगा। जो फुल टाइम काम करने वाले हैं उसको 17,000 तक आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि सैलरीज बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं किसी भी जगह पे काम करने के लिए। आप जब जाएंगे तो आपको सैलरीज जरूर देखना पड़ेगा। तो चलो अभी बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। जैसे देखिए जॉब के जो ओवरव्यू, तो जॉब देखिए यहाँ पे बताया कि एक्चुअली IGT सॉल्यूशंस के हिसाब से यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट के ऊपर आपको हायरिंग किया जा रहा है, और वो भी मैनेज कस्टमर जो क्वेरीज है, मतलब कस्टमर के जो क्वेरीज होते हैं, आप जब कोई भी फ्लाइट लेते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, तो उसको सपोर्ट देने का काम करने के लिए ही इस तरीके से पोस्ट जो है वो निकल गया है। साथ ही साथ प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विसेज देना होगा इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से। वी आर लुकिंग टू, आप देख सकते हैं, एंथुजियस्टिक एंड कस्टमर फोकस्ड, मतलब जो इंडिविजुअलिटी है उस तरीके से आपको फोकस्ड होना चाहिए। फ्रेशर्स जरूर यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ इसके लिए जो आपको एसेट कस्टमर विद द फाइट जो बुकिंग है, साथ ही साथ इंक्वायरीज है, जो रिसॉल्व्स है, मतलब जिस तरीके से क्वायरीज आएगा उसको आपको सॉल्व करना होगा। इसके लिए आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, ट्रेनिंग पीरियड भी आपको रहेगा। तो देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो मिनिमम आपको ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। तो मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो तो अच्छी बात है, कोई भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम से आप पास आउट हो सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी के ऊपर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर आपको हमेशा हिंदी और इंग्लिश में ही बात करेंगे, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। और देखिए स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर जो क्वेरीज आपको करेंगे तो उसको क्विकली सॉल्व करने का आपका स्किल होना चाहिए, तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग तो जरूर दिया जाएगा। साथ ही साथ देखिए अवेलेबिलिटी टू वर्क एफिशियंटली इन द फास्ट पेसेस, तो हाई वॉल्यूम जो एनवायरमेंट्स है, साथ ही साथ जो बताया जा रहा है कि 6 डेज आपको काम करना पड़ेगा, 6 दिन आपका काम रहेगा और बाकी 1 दिन छुट्टी रहेगा, और छुट्टी ऑब्वियसली सिटिंग वाइज होगा, ऐसे नहीं कि हर आपको वीकेंड में छुट्टी मिलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। सैलरी पैकेज में पहले बोल चुका हूँ सर 17,000 के आसपास CTC मिलेगा पर मंथ, और 6 दिन आपको काम करना होगा रोटेशनल वाइज। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ रोटेशनल वाइज आपको काम करना पड़ेगा। नो कैब फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको घर से ही जाना होगा, खुद के खर्चे से ऑफिस में जाना होगा, काम पे जाना होगा। साथ ही साथ पार्क्स आफ्टर 6 मंथ्स, तो आपको देखिए फ्री फ्लाइट टिकट जो है वो एम्प्लॉय की तरफ से, जो फ्री फ्लाइट टिकट इंडिगो तरफ से जो मिलता है वो आपको 6 मंथ काम करने के बाद मिलेगा, उससे पहले नहीं। तो कुछ कीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे देखिए हैंडल जो है इनबाउंड एंड आउटबाउंड, तो आपको हर कैटेगरीज कस्टमर को आपको एयरलाइंस की तरफ से सर्विसेज देना होगा। साथ ही साथ जो असिस्ट होगा कस्टमर के विथ फ्लाइट बुकिंग
रीशेड्यूलिंग एंड साथ ही साथ इंक्वायरीज, ये सब कुछ आपको सर्विसेज के हिसाब से देना पड़ेगा। कस्टमर को इजी तरीके से आपको सारी चीज बताना होगा, साथ ही साथ एड्रेसेस करना होगा कस्टमर के, कंज्यूमर्स के जो डिटेल्स है उसके ऊपर। तो इस तरीके से कुछ डेटा मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा, साथ ही साथ मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स, कस्टमर का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेनेंस करना होगा, फॉलोअप करना होगा, यही काम आपको करना होगा। तो सीधा सीधा कहो कि सिंपल जॉब है, सिर्फ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका क्वालिटी एंड आपका क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। हाँ, जो जॉब है आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपको जो स्टेट दिया गया है उसी स्टेट में अप्लाई करेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं, दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको प्रोसीडर क्या रहेगा, देखिए अप्लाई करने के जो प्रोसीडर है मैं एक ऑफिशियली लिंक आपको दे दूंगा, इस तरीके से कुछ इंटरफेस मिल जाएगा जहाँ पे आपको नाम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, एड्रेस डालना है, फोन नंबर डालना है, उसके साथ साथ आपको एक CV भी अटैच करना होगा, उसके बाद सबमिट करना होगा। तो ये सारी चीज आपको डालना होगा और उसके बाद आपको फाइनली कंपनी की तरफ से कॉल आएगा। हाँ, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी अगर थर्ड पार्टी, मतलब कोई भी अगर कंसल्टेंसी अगर आपको कंटेक्ट करके काम देने का लालच दे रहा है, उसके लिए आपको पैसा मांग रहा है, तो सीधा सीधा आप एवर्ट कर देना, सीधा सीधा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सीधा सीधा एवर्ट कर लेना। डायरेक्टली कंपनी अगर आपको कॉल कर रहा है तो ठीक है, अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी अगर आपको कॉल कर रहा है तो प्लीज आप उसके ट्रैक में मत फंसना, आप बुरी तरीके से पैसे से फंसेंगे। किसी को पैसा देकर काम नहीं करना है, आपको खुद के दम पे खुद के क्वालिटी वाइज काम करिए और मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको क्वालिटी और इस तरीके से जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा। अगर आप घर बैठे काम करना चाहते हैं तो उसका भी जॉब अपडेट में पिछले वीडियो में अपलोड किया है, जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।